बिन सचिवालय परीक्षा के विवाद के मामलों में छात्र पिछले 3 दिनों से लगातार हड़ताल पर उतर गए हैं और गांधीनगर में यह आंदोलन छिड़ चुका है। 3 दिन हो चुके हैं लेकिन फिर भी छात्र चस के तस नहीं हो रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आज 3रे दिन भी आंदोलन जारी रखा गया। 3 दिनों से लगातार यह छात्र आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की जो आग सुलगी है यह सरकार को दागदार कर रही है। आंदोलन कर रहे छात्रों से मिलने विपक्ष और अपक्ष के नेता मौके पर पहुंच रहे हैं। आज अपक्ष के नेता जिग्नेश मेवाणी ने छात्रों से मुलाकात की, साथ ही हार्दिक पटेल और अमित चावड़ा ने भी आंदोलन स्थल पर पहुंचकर छात्रों से बातचीत की। लगातार आज 3रा दिन है फिर भी छात्र जस के तस नहीं हो रहे हैं। सर्दी का मौसम है, इतनी ठंड के बीच भी रात को भी छात्र मौके पर ही बैठे रहते हैं और आंदोलन बंद करने का नाम नहीं ले रहे। आज लगातार 3रा दिन है और यह सभी छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इसी मांग पर अड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कैसे सर्दी के मौसम में भी यह सभी छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और वहीं पर बैठकर विरोध जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता परेश धानाड़ी भी इन छात्रों से मिलने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। छात्रों के साथ वहीं बैठकर वह भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।